न्यूजीलैंड के फेमस यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आरोप है कि वीजा मानदंडों का पालन नहीं करने पर भारत सरकार ने उनकी एंट्री को बैन कर दिया। कार्ल रॉक का कहना है कि दिल्ली में उनकी पत्नी और परिवार है, लेकिन उनका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो भारत नहीं आ सकते। कार्ल रॉक के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने ANI को बताया कि न्यूजीलैंड मूल के कार्ल रॉक को भारत सरकार द्वारा कई वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। उन्हें टूरिस्ट वीजा पर व्यापार करते हुए पाया गया था। उन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। कार्ल रॉक मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उनकी शादी भारत में मनीषा मलिक से हुई है। हाल ही में कार्ल रॉक ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका शीर्षक है, मैंने 269 दिनों से अपनी पत्नी को क्यों नहीं देखा। वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अपनी पत्नी और ससुराल वालों से अलग कर दिया गया। उन्हें भारत सरकार के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकते। कार्ल रॉक की पत्नी ने रॉक को सरकार के ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि कार्ल रॉक 2013 से भारत आ रहे हैं। उनके पास न्यूजीलैंड और भारत दोनों की नागरिकता है। उन्होंने भारत के सभी कानूनों का पालन किया है। उनके पास X2 वीजा है। अर्जी में उन्होंने कहा है कि रॉक को ब्लैकलिस्ट करने से पहले सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। उनको केवल मौखिक रूप से ही ब्लैकलिस्ट करने की जानकारी दी गई। बता दें कि कार्ल भारत में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए टिप्स साझा करते हैं। पिछले साल कार्ल के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सरकारी प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए प्रशंसा की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।